हमारी जानकारी के हिसाब से ये अंधेरी जाने से मना करता है। भैया अगर इसके इसके साथ मिलो, इसके साथ मिलो भैया। पूछता है भारत, भारत पूछता है भैया, भारत भारत पूछता है क्यों नहीं जाते अंधेरी भारत। शहर की हर काली गाड़ी के अंदर का काला सच आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा हमारे चैनल पर। हमसे ठीक 15 गाड़ी आगे एक काली गाड़ी चल रही है, हम जानना चाहते हैं उसके अंदर कौन है। अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो यकीन मानिए इस वक्त पसीना पसीना होगा। काली गाड़ी का सच क्या, काला जादू होता है काली गाड़ी के अंदर, दिखाएंगे हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस सड़क से गुजरी हर बॉलीवुड की कार, जहां से सारा गुजरी, जहां से रकुल गुजरी, जहां से दीपिका गुजरी। जी हां, एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर आप ये देख रहे हैं। वो सड़क आपको हम दिखाएं, ये वो सड़क है जिसने महसूस किया है हर एक एक्टर के डर। ये वो सड़क है जिसे कि हर सितारा मिला है। सड़क दो को एक सितारा ना मिला हो, सड़क दो को मैं फिर बता रहा हूं एक सितारा नहीं मिला, लेकिन इस सड़क को सारे सितारे मिले हैं। एक और चीज कह दूं कि ये सड़क भले ही ब्लैक हो, बॉलीवुड भले ही ब्लैक हो, लेकिन हमारी पत्रकारिता व्हाइट, सफेद, क्लीन, एक्सक्लूसिव। पूछता है भारत क्या क्या दीपिका रणवीर के कपड़े पहनती है, रणवीर के कपड़े दीपिका पहनती है, दीपिका के कपड़े रणवीर पहनता, क्या क्या भारत पूछ रहे, बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा। मेरी बग्गी तेरा घोड़ा, हमने सबको पकड़ा, किसी को ना छोड़ा। आज आपके लिए एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर एक वो शख्स जिसने हर अभिनेत्री की आंखों में आंखें डालकर देखा जब वो सवालों के जवाब देने के लिए जा रही थी, जिसने भापा है उस डर को जिससे कि बॉलीवुड आज खौफजदा है। ये पेड़ हमारे साथ है, ये पेड़, मैं इस पेड़ से कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने क्या देखा, कौन था यहां, कौन कौन आया था, पता ये, डरिए मत, बिल्कुल खौफजदा मत हो, ये मैं पूरा हिंदुस्तान अभी आपको देख रहा है। आपने जब एक्ट्रेसेस को देखा क्या कह रही थी एक्ट्रेसेस, क्या था उनके मन में, बताइए आप, पूरा भारत पूछता, बताइए। पेड़ डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये पेड़ ग्राउंडेड है और बॉलीवुड है, उड़ता बॉलीवुड। जी हाँ, हम कहते हैं कबूतर जा जा जा, और बॉलीवुड की व्हाट्सएप चैट हमारे लिए लिया, क्योंकि पब्लिक नाउ है हमारा नाम, और बॉलीवुड की प्राइवेट चैट्स दिखाना है हमारा काम। आओ पब्लिक नाओ, पब्लिक नाओ। भले ही ये बैरिकेडिंग गाड़ियों को रोके, भले ही ये बैरिकेडिंग यहाँ शख्सों को रोके, भले ही ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लोगों को रोके, लेकिन ये बैरिकेडिंग हमारे सवालों को नहीं रोक सकती है। हर सवाल यहाँ एक्सक्लूसिवली पूछा जाएगा, क्योंकि हम सवाल जवाब के लिए नहीं पूछते, हम सिर्फ पूछते हैं ताकि सवाल पूछे जा सके। हम खुद से सवाल पूछते हैं, पूछता है भारत, भारत पूछता है, ये क्या पूछता है पता नहीं, लेकिन पूछता है। क्या लगता है इस पूरी जो पूरा भी सर्कस सा चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा सर्कस? नहीं मालूम है आपको? नहीं, जानता नहीं है आम आदमी या बताना नहीं चाहता। वो कैमरा जिसके सामने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन डायलॉग बाजी करते, हाय हाय करते नहीं थकते थे, आज उस कैमरा को देखकर एक आम आदमी घबरा रहा है, कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। ये सच है आज इस बॉलीवुड का, और एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर आप ये देखेंगे। सर ये बताइए, इस समंदर में ज्यादा मछलियां हैं या बॉलीवुड में ज्यादा मछलियां? बॉलीवुड में सर, और एक से एक गंदी मछली से भरा पड़ा है बॉलीवुड। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरा समुंदर ही जिस तरह ये मछलियां गंदी पड़ी है, वैसे समंदर की मछलियां फिर भी साफ होंगी, बॉलीवुड की शायद नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बदनाम कर दिया बॉलीवुड को, बदनाम कर दिया। और बात है, सच बात है, भारतीय सभ्यता का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया भारतीय सभ्यता का, कह रहे हैं हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव। सच का पीछा करते हुए चाहे जहां जाना पड़े, प्लेन के अंदर, ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पब्लिक नाव पर हम कहते हैं रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, वील शो यू नो फॉल्स न्यूज, ओनली ट्रू ट्रू ट्रू। ऑक्सीमीटर रोल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपने लिए, पब्लिक नाव पर भारत पूछ रहा है ये सवाल। भाई साहब दो मिनट रुक जाओ ना, किसका खौफ है आपको, एक नाम दे दीजिए आप हमको, हम ए से लेकर जेड प्लस तक सारी सिक्योरिटी आपको देंगे। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे मुंह से मास्क उतर चुका है, बॉलीवुड का मास्क उतारना है।